हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे केवाला दाखिल खारिज करना। ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपसे केवाला नहीं होता है तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। जी हाँ, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी नहीं कहोगे कि केवाला दाखिल खारिज हमसे नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए, तो सबसे पहले आपको चले आना है लैंड रिकॉर्ड। ये जो आप देख रहे हैं वेबसाइट, इस पे आपको चलाना है। आपकी सुविधा के लिए हमने इसका लिंक जो है अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण मैं बहुत जल्दी जल्दी और शॉर्ट में आपको समझाना चाहूँगा, लेकिन फिर भी विस्तार से समझाना चाहूँगा कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसका दो पार्ट है, एक ये पार्ट जो फर्स्ट बना रहा हूँ और एक इसका वीडियो का ठीक डिस्क्रिप्शन में आपको सेकंड पार्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर के क्लिक कर दीजिएगा, या आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, या आपको वीडियो के लास्ट में इंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। तो आप स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। आप किसी और को कभी नहीं कहोगे कि हाँ आप दाखिल खारिज किए, चाहे कैसा भी केवाला हो, पुराना हो, नया हो, डिड नंबर कैसा भी हो, अपना डिड नंबर उसमें नहीं भी हो, या फिर 1980 80 70 70 जितना का केवाला हो, कोई भी केवाला हो, आप इस वीडियो को देखने के बाद सारा का सारा केवाला खुद घर बैठे मारिएगा। ठीक है, तो इस वेबसाइट पर चले आइएगा आप, या फिर आप डायरेक्टली गूगल पर आकर के यहाँ पर लिख सकते हैं लैंड रिकॉर्ड बिहार। इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा लैंड रिकॉर्ड बिहार भूमि, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चाहें तो वहां से भी डायरेक्टली आ सकते हैं। आप आ जाइएगा सीधा इस पेज पे। इस पेज पे आ जाने के बाद यहां पर आपको दिखाई देगा ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स कुछ आगे इस टाइप का पेज खुल किया जाएगा। अगर आपने पासवर्ड बना लिया है अपना, इसमें बना लिया है, रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो फिर आप थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर दीजिए। अगर नहीं किया है तो उसके लिए फ्रेंड्स हम बताते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना नाम डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर अपना नाम डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर बिल्कुल सही डालिएगा आप। ठीक है, यहाँ पर नाम आप कोई सा भी डाल सकते हैं, जो अपने नाम है, या फिर किसी और का भी नाम डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपना ईमेल आईडी देंगे। यहाँ पर ईमेल आईडी देने के बाद यहाँ पर पासवर्ड, ईमेल आईडी याद रखिएगा, क्योंकि ईमेल आईडी ही आपको वहाँ पर डालना है। उसके बाद पासवर्ड डालना है। जो पासवर्ड यहाँ पर आप क्रिएट करेंगे, उसमें एक पासवर्ड जो आप क्रिएट करेंगे तो उसमें एक किसी भी प्रकार का इस तरह का आप दिखा दे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इस तरह का आप सिंबल जरूर दीजिएगा। हैच हो गया, डॉलर हो गया, ये सब सीन आप एक जरूर दे दीजिएगा, और एक जो है नंबरिंग दे दीजिएगा। यहाँ स्टेट के नीचे समझा रहा हूँ, आपको पासवर्ड में डालना है, यहाँ नहीं डालना है, क्योंकि यहाँ लिखूंगा तो ब्लर हो जाएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस टाइप का एक नंबरिंग भी चुनना है, और एक बड़ा कैपिटल वाला ए बी सी जेड में से कोई ले लीजिएगा, और एक छोटा जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, तभी आपका पासवर्ड बनेगा, नहीं तो अगर आप इससे नहीं करते हैं तो आपका पासवर्ड नहीं बनेगा। लिखकर सक्सेसफुल हो गया, लेकिन आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, तो पासवर्ड यहाँ पर डाल दीजिएगा। पासवर्ड डालने के बाद कन्फर्म पासवर्ड में वही आप पासवर्ड डाल दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देना है, टाउन विलेज सिटी डाल देना है, जो भी होगा अपना गाँव का नाम ही डाल दीजिए, आप सिटी का नाम डाल दीजिए, डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। सिंपली यहाँ पर अपना स्टेट डाल दीजिए, बिहार के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें बिहार ही डालेगा। ठीक है, पिन कोड डाल दीजिए, अपना जिस एरिया में पिन कोड आपका आता है वो पिन कोड डाल दीजिए। उसके बाद ये वाला जो कैप्चा आपको दिख रहा है, ये कैप्चा यहाँ पर फिल करना है, ये कैप्चा सिंपली यहाँ पर फिल कीजिएगा। उसके बाद रजिस्टर नाउ पे क्लिक कीजिएगा, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को सिंपली यहाँ पर फिल कर देना है और जनरेट पे क्लिक कर देना। हो गया आपका आईडी और पासवर्ड क्लियर। अदरवाइज किसी प्रकार से अगर नहीं बनता है तो हो ही नहीं सकता है कि नहीं बनेगा। ठीक है, आप जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आप करिएगा तो एकदम से आपका जरूर से जरूर बन जाएगा। और जरूरी नहीं कि अगर आप एक शॉप खोले हैं, दुकान खोले हैं, तो आपको कस्टमर आपके पास आता है कि वाला लेकर के भाई मेरा दाखिल खारिज ऑनलाइन कर दीजिए, तो आप सभी कस्टमर का अगर रजिस्ट्रेशन करके उनका आईडी बनाने लगो तो आप बहुत मुश्किल हो जाएगा यार, इतना आप नहीं मेहनत कर सकते। ठीक है, तो आपको सिंपली एक आईडी बना लेना है, अपने नाम से बना लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको ये भी पता चलता रहेगा कि हमने एक दिन में कितना दाखिल खारिज मारा और किस किस का है, उसमें साथ में आप एडिट भी कर सकते हैं, और आपको पता भी रहेगा कि हाँ इतने आदमी का है, तो आपको खोजने में ढूंढने में बहुत आसानी होगा। ठीक है, तो अपने नाम से बना लीजिए, और जितने का आपको दाखिल खारिज वाला ऑनलाइन करना है करते रहिए बिंदास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिंपली ये सब जब आईडी आप बना लेंगे तो उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, आपको सीधा चले जाना है उसी पे। यहां पर हम आपको दिखा दे रहे हैं, यहां पर ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन मिल जाता है आपको। यहाँ पर आप वो पासवर्ड डाल दीजिएगा। ठीक है, वो पासवर्ड डाल दीजिएगा, और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड, यहाँ पर ईमेल आईडी डालिएगा और यहाँ पर पासवर्ड डालिएगा। ठीक है, यहाँ ईमेल आईडी डाल दीजिएगा और नीचे में पासवर्ड। चलिए, हम यहाँ ईमेल आईडी और पासवर्ड, और यहाँ पर ये कैप्चा डाल करके लॉग इन हो जाते हैं। इसको सब थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको पता चले। ठीक है,
कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुल के चला आएगा फ्रेंड्स। आपको करना क्या है, यहाँ पर सिंपली जो आपको दिख रहा है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। ठीक है, जिस जगह से रजिस्ट्री होता है वही आपका डिस्ट्रिक्ट होता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। यहाँ पर सर्किल जो ब्लॉक पड़ता होगा आपके नजदीक, जहाँ ब्लॉक से आपको दाखिल खारिज कराना है, जिस जगह जो भी जगह जमीन है उस जगह का ब्लॉक जहाँ पड़ता है वही ब्लॉक यहाँ पर आप चूज करेंगे। ठीक है, वहां पर सिंपली चूज कर दीजिए। मैं अपना डाल रहा हूँ, आप अपने तरीके से डालिएगा। अप्लाई न्यू मॉडिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई न्यू मॉडिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार का अगर आपको पेज लेआउट हो जाता है या सिस्टम ऑफ हो जाता है तो ठीक है, इतना ही डाल करके आप व्यू ड्राफ्ट एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन पर जा सकते हैं। इससे आपका जो पहले वाला पेज है वो आपको मिल जाएगा और सिंपली आप नेक्स्ट 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 करके जो है आगे निकल जाएगा। चलिए हम अप्लाई न्यू मॉडिफिकेशन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाता है, इस तरह का फॉर्म खुल जाता है आपके सामने। ये लास्ट में रहता है, पहले ये शुरू में रहता था। तो आपको करना क्या है, एप्लीकेशन डिटेल्स में चल जाना। चलिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं, सिलेक्ट मॉडिफिकेशन इनविटेशन टाइप में आपको ऑन एप्लीकेशन कर देना है। ऑन एप्लीकेशन जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर खुल के एक पेज आ जाएगा जो कि इस प्रकार से होगा। अब चलिए आ जाता है यहाँ पर एप्लीकेंट डिटेल्स। तो एप्लीकेंट डिटेल्स वो होता है फ्रेंड, जैसे मान लीजिए कुछ लोग हमसे ये सवाल कर रहे थे कि सर हमारा जो है जमीन हमारे नाम से, चाचा के नाम से, भाई के नाम से, या हमारे नाम से, हमारे दोस्त के नाम से, हमारे पिताजी के नाम से, मैंने तीन चार आदमी के नाम से जमीन है, तो यहाँ पर एप्लीकेंट डिटेल में किसका नाम होगा। देखिए फ्रेंड्स, एप्लीकेंट डिटेल्स में आप किसी एक का भी नाम डाल सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे सपोज मान लीजिए आप मेरे नाम से और मेरे दोस्त के नाम से, एक मेरी मम्मी के नाम से, तीनों के नाम से है, तो मैं अभी एप्लीकेंट यानी अप्लाई करने वाला मैं भी बन सकता हूँ। लेकिन जो बायर है यानी मैं खरीदने वाला हूँ, मैंने खरीदने वाला तीन व्यक्ति हूँ, मैं, मेरा भाई, मेरा मेरी माँ और मेरा कोई दोस्त, चार व्यक्ति हैं, तीन व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं, तो हम लोग बायर हो गए। बायर हो गए तो जो है हम बायर में, यहाँ जो ऊपर में आपको दिख रहा है यहाँ बायर, इसमें हम सारे आदमी का नाम फिल करेंगे, लेकिन एप्लीकेंट कोई एक भी बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एप्लीकेंट में डाल दीजिएगा उसका नाम जो भी होगा। चलिए हम आपको एक केवाला दिखा देते हैं और आपको फ्रेश से समझाते हैं कि क्या आपको जो है यहाँ पर फिल करना है। देखिए ये एक केवाला है फ्रेंड्स, जो कि हमने यहाँ पर PDF करके सारे को स्कैन करके मर्ज कर लिया है। अगर आप इसके बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं कि PDF को मर्ज कैसे करते हैं, छोटा कैसे करते हैं, एक साथ कैसे जोड़ते हैं। इसके रिगार्डिंग कई सारे वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर आपको मिल जाता है नाम मोकिर और नाम मोकिर अलह। तो देखिए इस प्रकार से फ्रेंड, नाम जो मोकिर होता है वो जमीन बेचने वाला होता है। जैसे श्री कृष्णा सिंह जो है ये जमीन बेचने वाले हैं और यहाँ पर नाम जो मोकिर अलह है वो है श्री संजय गुप्ता। तो संजय गुप्ता हो गए मोकिर अलह यानी खरीदार यानी बायर। तो और जो मोकिर हो गया यहाँ पर श्री कृष्णा सिंह। तो यहाँ पर कई कई केवाला में आपको, जैसे पुराना केवाला में आपको देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पर सेलर मिल सकता है, मोकिर में सेलर मिल सकता है, यहाँ पर आपको विक्रेता मिल सकता है, यहाँ पर आपको एक और टाइप के डिफरेंट टाइप के मिलेगा, लेकिन आप उसको समझ जाइए। मैं तीनों का नाम बता दिया कि मोकिर का मतलब होता है बेचने वाला। ठीक है, यहाँ पर आपको मोकिर के जगह सेलर मिल सकता है, यहाँ सेलर के जगह आपको यहाँ पर विक्रेता भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब मोकिर अलह हो गए आपको यहाँ पर संजय गुप्ता। तो मोकिर अलह जो होगा संजय गुप्ता यानी जो जमीन खरीदे हैं उनका नाम यहाँ पर डालेगा। तो फटाफट से उनका नाम यहाँ पर डाल दीजिए इस तरह के। ये मैं एक डेमो कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये सिंपली फ्रेश से करना है। ठीक है, डेमो करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, उनके उसके बाद उनके फादर का नाम ठीक यहीं पर आपको मिल जाता है, श्री यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं संजय गुप्ता, श्री कामेश्वर साव, कामेश्वर साव। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, कामेश्वर साव करेंगे, कामेश्वर साव इस तरह से नाम यहाँ पर लिख देंगे। अगर आप चाहें तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी में लिखने के लिए आप किसी भी तरह का एक्सटेंशन अगर इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये गूगल ट्रांजेक्शन आप देख रहे हैं, तो ये यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। लास्ट में जाकर के आपको ट्रांजेक्शन एबोर्टेड या कुछ वर्क और इस टाइप का लिख देगा। और साथ में ही अगर आप यहाँ पर जो किसी भी प्रकार का आप इसमें डैश वगैरह कॉमा वगैरह भी आप देते हैं तो वो भी आपको दिक्कत करता है, जो है आपको बाद में जाकर के ये ट्रांजेक्शन एबोर्टेड या कुछ एरर टाइप की मैसेज दे देगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस तरह से यहाँ पर इस तरह का कॉमा या इस तरह का डॉट ये सब कुछ नहीं चलेगा। इधर सिंपली एक स्पेस दीजिएगा और डाल दीजिएगा सिंपली, उसके बाद रिलेशन में फादर डाल दीजिएगा, यहाँ पर कैशियर में 2019-2020 डाल दीजिएगा। विलेज में जो हो जाता है फ्रेंड, तो यहाँ पर आपको BILL उतना लंबा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको इसका नाम मिल जाता है संजय गुप्ता, श्री कामेश्वर साहु जी, तेली साहु, साकिन। साकिन का मतलब होता है ग्राम व डाकघर, तो डाकघर थाना नवीनगर, यानी इनका गाँव भी, थाना भी, डाकघर भी, तीनों नवीनगर है। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, फिर आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि लंबा मैं वीडियो बनाया, 1.5 घंटा का हो गया और उसमें जो है हमारा वीडियो अपलोड चढ़ भी नहीं पाया और जो है बड़ा दिक्कत हो गया, तो हमें दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है, इसलिए मैं फास्ट थोड़ा बोल रहा हूँ, समझ जाएगा। तो यहाँ पर विलेज में जगह आप नवीनगर से डाल दीजिएगा इस तरह से। ये वाला आपको रिसीविंग में नहीं आएगा, ये जो आप लिख रहे हो ना यहाँ पर नवीनगर, ये आपको रिसीविंग में देखने को नहीं मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा ये वाला मिलेगा। तो यहाँ पर आपको BILL इस तरह से कर देना है, सिंपली एक स्पेस देना है, उसके बाद BINGAR इस तरह से कर देना है, उसके बाद यहाँ पर PO करना है, सिर्फ स्पेस देना है, किसी भी तरह का कॉमा डेट वगैरह डेट डेट कुछ भी नहीं डालना है आपको। पोस्ट यहाँ पर कर देना है नवीनगर इस तरह से कर दीजिएगा, उसके बाद PS कर दीजिएगा नवीनगर इस तरह से कर दीजिएगा। ठीक है,
इस तरह से कर दीजिएगा। बाकी कुछ नहीं लिखना है यहाँ पर, विलेज स्पेस नवीनगर स्पेस पोस्ट स्पेस नवीनगर, यहाँ पर डॉट कॉमा स्पेशल कैरेक्टर, किसी भी प्रकार का स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं करना है, वरना लास्ट में जाकर के आपको ये ट्रांजेक्शन अपडेट कर देगा। 1 1 2 3 4 यहाँ तो लिखना ही लिखना नहीं है, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिंपली आपको औरंगाबाद लिख दीजिए, स्टेट जो बिहारी बिहारी लिखेगा, पिन कोड अगर है तो चलेगा, नहीं है तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, क्योंकि ये रजिस्टर नहीं है। ईमेल आईडी है तो ऑप्शनल है, अगर डाल भी सकते हैं नहीं डाल भी सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको डालना जरूरी है, अगर किसी किसी कस्टमर का केवाला में मोबाइल नंबर नहीं है तो उसके जगह पर आप कोई सभी मोबाइल नंबर डाल लीजिए कस्टमर से पूछ करके। इसके बाद सिलेक्ट मोटिवेशन टाइप में आपको सेल एंड परचेज करना है। सेल एंड परचेज का मतलब होता है जमीन हमारे नाम से था और हमने किसी और को पैसे दे करके कोर्ट से बेच दिया, यानी कोर्ट में जाया, कोर्ट में गया और उसके नाम से बेच दिया और उससे कुछ पैसे ले लिया, तो वो सेल एंड परचेज होता है। एक्सचेंज होता है, जैसे जमीन का चेंज किया, गिफ्ट होता है, पटिशन होता है, और यहाँ पर सजेशन होता है, बिल कोर्ट ऑर्डर होता है, लैंड परचेज मूवमेंट होता है। ये सारे जो है सारे चीज के बारे में हम रिगार्डिंग इसके रिगार्डिंग एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, हर एक के बारे में समझाएंगे। लेकिन फिलहाल जो इस वीडियो में हम समझा रहे हैं आपको वो है सेल एंड परचेज, जो कि जनरली इधर देखने को मिलता है, सेल एंड परचेज ही हमारे पास ज्यादा आता है। तो हम अगर आप कमेंट कीजिएगा और आप किसी और का भी वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो आपको बना दूंगा। ये सारा जब आप भर लेंगे तो यहाँ पर सेम एड्रेस पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखिए इस तरह से जब फिल हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपको कुछ करना नहीं है, ये आपको सिंपली डायरेक्टली दूसरे पेज पे लेके जाएगा। आप यहाँ पर अगर नहीं दूसरे पेज पे लेके जाता है तो यहाँ पर आपको करना क्या है, थोड़ा सा वेट करना है, पेशेंस रखना है, पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर आप पेशेंस नहीं रखते हैं तो आपका जो है काम सारा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना, देखिए इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स खुल जाता है। यहाँ पर रजिस्टर में आपको रजिस्टर डीड ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर लाना है, जो कि होता है दस्तावेज नंबर। डॉक्यूमेंट नंबर डीड नंबर को दस्तावेज नंबर हिंदी में बोलते हैं। यहाँ पर आपको दस्तावेज संख्या जो देखने को मिल रहा है उसको आप फिल कर सकते हैं, या किसी पुराने के वाले में आपको यहाँ पर ऊपर में देखने को मिलेगा, जैसे ये डीड नंबर है, ठीक है। तो इसका डीड नंबर जो है वो है 5193, ठीक है। अगर किसी कारणवश 5193 आपको कभी वहाँ पर डालते हैं आप, या अपना डीड नंबर जो डालते हैं आप और वो गलती आ जाता है, तो समझ लीजिए कि आप उस डीड नंबर से आपको मारा हुआ है। इनकेस अगर आप चाहते हैं कि उसमें सुधार करना, या आपने केवाला मार दिया डेट नंबर से और आप चाहते हैं उसमें आपको कुछ गड़बड़ी हो गया, तो आपको दोबारा डेट नंबर डालेगा तो वो नहीं लेगा, ऑलरेडी एग्जिट लिखेगा, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, सीरियल नंबर डाल के भी आप निकल सकते हो। ये सीरियल नंबर तब डालना है जब आपका डेट नंबर ऑलरेडी एग्जिट, यानी डेट नंबर से आपने एक बार आवेदन कर दिया है लेकिन उसमें मिस्टेक हो गया, गलत हो गया, तब आप सीरियल नंबर से मार सकते हो, अदरवाइज आपको डेट नंबर ही डालना है। और यहां पर डालना है आपको सिंपली क्या, डॉक्यूमेंट टाइप, यहां पर आपको डेट डालना है, यानी रजिस्ट्रेशन डेट, जो भी जिस डेट को आपने इस जमीन को रजिस्ट्रेशन कर रजिस्टर कराया वो डेट डालना है। तो यहाँ 26/4/2014 है, तो यहाँ सिंपली आपको 26/4/2014 डाल देना है। देखिए इस पर एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस तरह से चूज करेंगे, 14 आ गया, यहाँ पर 26/4, यहाँ पर हम अपना डेट चुन लेंगे, ठीक है। 26/4/2014 यहाँ पर अमाउंट जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर दूसरे पेज में आसानी से देखने को मिल जाएगा। देखिए 5,10,000 रुपया, तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, 5,10,000 रुपये फिल कर देंगे, 5,10,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोर्ट नेम इशू अथॉरिटी का आता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो सबसे ऊपर में देखने को मिलता है आपको जिला निबंधन कार्यालय औरंगाबाद, ये आपके कॉलम में भी देखने को मिल जाएगा, तो वही होता है डिस्ट्रिक्ट, इसका इंग्लिश होता है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्री ऑफिस औरंगाबाद, यहाँ पर एक बार ये कट जाता है तो आपको फिर से इसमें लिखना है, ठीक है। यहाँ पर एक बार क्लिक कर दीजिए, DIST डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्री ऑफिस इस तरह से लिख देना है, उस तरह से औरंगाबाद कर देना है। उसके बाद सिंपली करना क्या है आपको, सेवन नेक्स्ट पे फिर क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपली ये आप ऑटोमेटिकली जाएगा, आपको यहाँ पर नहीं क्लिक करना है कि बायर में चला जाए, यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये जो है आपको बायर में चला जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स बायर डिटेल्स में आ चुका है, तो बायर डिटेल्स में देखिए आप सीधा एप्लीकेंट वाले उठा दीजिए, क्योंकि बायर में अगर देखिए यहाँ से बता रहे हैं आपको, इसमें कंट्रोल सी मारिए, ठीक है। बायर वही हो गया जो एप्लीकेंट किए हैं आप, तो यहाँ पर आप देखिए हम कंट्रोल बी मार दिए, ठीक है। तो बायर कौन हो जाता है, केवाला में आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पर बायर, जैसे कि हमने आपको बताया पहले ही कि नाम मौकिर श्री अलह, यानी मौकिर अलह जो है वो बायर है यानी खरीदार है, ठीक है। तो उसका नाम यहाँ पर फिल कर देना है, उसके गार्जियन का नाम यहाँ पर फिल कर देना है। तो हमने तो एक ही के नाम से यहाँ पर रजिस्ट्री था, तो हमने सिंपली यहाँ से कॉपी किया और बायर में जा करके यहाँ पर उसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आप रिलेशन में चले गए, इसका पिता मिल गया हमको, इसका कास्ट जो है वो यहाँ पर हमको मिल जाता है, इसका कास्ट जो है आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, कौन सा कास्ट है भाई, संजय गुप्ता का मिसर तेली साहब है, तो तेली साहब यहाँ पर आपको कास्ट देखने को मिल जाता है। ये देख लीजिए बायो डिटेल्स में यहाँ पर तेली साहब आपको देखने को मिल जाएगा, इसको सबसे नीचे ले आइए, इसमें आराम से खोज लीजिएगा, जो और दूसरा वगैरह कोई नहीं डालना है आपको, आराम से इसमें खोज करके आप डाल लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसमें एक बार खोज लेते हैं,
देखिए तेली हमको यहाँ पर मिल गया, तेली डाल दिए, जेंडर पुलिस, मोबाइल नंबर हमको डाल देंगे जो इनका मोबाइल नंबर होगा, ठीक है। एड्रेस इनका फील्ड हम कर देंगे जो कि हमें एड्रेस यहाँ पर डाले थे, आप यहाँ से डालिएगा जो भी, जो कि आपके वाला में देख लीजिएगा तो भी डालिएगा। हम यहाँ पर इसे इसलिए उठा करके डाल रहे हैं क्योंकि एक ही के नाम से है, ठीक है। एक ही आदमी, एक ही व्यक्ति जो है इस जमीन को खरीदे हैं। अब सपोज दो आदमी खरीदे हैं तो एड मोर पर आप क्लिक कीजिएगा, थोड़ा देर आप रुकिएगा तो ऐसा ही एक पेज और खुल जाएगा, तो उसमें इस एक और व्यक्ति का नाम लिख दीजिए, उनके पिताजी का नाम लिख दीजिए, उनके जो है क्या साथ उनका रिलेशन वो लिख दीजिए, उनका कास्ट लिख दीजिए, उनके क्या जेंडर वो लिख दीजिए, मोबाइल नंबर उनका लिख दीजिए और उनका एड्रेस लिख दीजिए। वो चीज़ आपको यहाँ पर के बारे में देखने को मिल जाएगा। जैसे मौके हो गया, खरीदार हो गया, खरीदार हो गया, तो पर आपको जो बायर होगा उनका एक नाम, दो नाम, तीन नाम जो भी यहां पर रहेगा, ठीक है, तो उस नाम को वहां पर आप फिल कर दीजिएगा। उम्मीद है कि आप वीडियो को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद सिंपली आप क्या करेंगे, सेव एज ड्राफ्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स थोड़ी सी मैं आपसे यहां पर देखिए 15 मिनट के वीडियो हो चुका है, बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं फिर भी इसका जो है हमें लगता है कि दूसरा वीडियो हमें बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर आ गया सेलर डिटेल्स, तो सेलर डिटेल्स देख लीजिए, आपको हम समझा के आराम से बता रहा हूं। यहां पर सेलर डिटेल्स जो है यानी जो मोकिर था, यहाँ पर जो मोकिर था ये आपको किसी के वाला में सेलर देखने को मिलेगा, किसी के वाला में आपको विक्रेता देखने को मिलेगा और किसी के वाला में आपको देखने को मिल सकता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर नाम मोकिर है तो यहाँ पर आपको सेलर भी मिल सकता है, यहाँ पर आपको विक्रेता भी मिल सकता है और यहाँ पर आपको हिंदी में लेखकार भी मिल सकता है, तो ये इतने टाइप के डिफरेंट डिफरेंट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर कृष्णा सिंह है, तो चलिए हम सेलर का नाम यहाँ पर डाल देंगे फटाफट से, कृष्णा सिंह, ठीक है, KRISHNA, कृष्णा सिंह यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद इनके जो है एक मिनट इसके बाद इनके जो गार्जियन का नाम यहाँ पर डाल देंगे, इनके पिता का नाम, तो कृष्णा सिंह के पिता का नाम है स्वर्गीय चंद्रिका सिंह, तो यहाँ पर हम स्वर्गीय चंद्रिका सिंह को लेट चंद्रिका सिंह। उसके बाद यहाँ पर जो इनका कास्ट है वो राजपूत है, तो हम यहाँ पर से राजपूत आराम से उठा लेंगे। रिलेशन तो इनका हो गया अपना पिता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कास्ट हो गया इनका राजपूत, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पुरुष डाल दिए, यहाँ पर उनका, अब क्या करेंगे यहाँ पर सेलर का मोबाइल नंबर डाल देंगे। तो यहाँ पर सेलर का मोबाइल नंबर अगर है तो सही है, नहीं तो कस्टमर से एक बार पूछ लेंगे और उसके बाद यहाँ पर फिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद उनका सेलर का जो है पता डाल देंगे, यानी बेचने वाले का पता, तो बेचने वाले का पता जो है इनका साकिन बिलाई, डाकघर बिलाई और थाना नवीनगर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं इनका BIDSS, इस तरह से डाल देंगे यहाँ पर। उसके बाद अगर एक से अधिक बेचने वाला है, दो बेचने वाला है, तीन बेचने वाला, चार बेचने वाला, मुश्किल नहीं है, जितना भी है आप एड मोर पर जाइए, एक ऐसा ही बॉक्स खुलेगा, वहां पर नीचे नाम लिखिए, उसके पिता का नाम लिखिए, उसके बाद उसके साथ क्या रिलेशन है वो लिखिए, उसके बाद उसका कास्ट लिखिए, जेंडर लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए और एड्रेस लिखिए। सपोज नाम यहाँ पर मान लीजिए कृष्णा सिंह है और कृष्णा सिंह के भाई यानी दोनों के नाम से जमीन है, दोनों के पिता एक ही हैं, तो यहाँ पर आप कृष्णा सिंह स्पेस देके एक और नाम लिख सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा कि आप नीचे में खोल एक नाम खोल एक मोर खोल लीजिए और उनका नाम लिख दीजिए, फिर उनके पिता का नाम लिख दीजिए, रिलेशन वगैरह सारा कुछ लिख करके यहाँ पर आपको क्लिक क्या करना है, फिर वही आपको सेव एज ड्राफ्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखिए फ्रेंड्स अभी आपको आ जाता है सेलर के बाद प्लॉट डिटेल्स, प्लॉट डिटेल्स में डिस्ट्रिक्ट आपको ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगा, सब डिविजन ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगा, सर्किल जो है ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगा, हल्का को पंचायत बोलते हैं, पंचायत कौन सा पंचायत में ये जमीन आता है वो आप एक बार कस्टमर से पूछ लीजिएगा, जैसे कि हमारा ये कौन सा पंचायत में आता है बिलाई, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर उनका मौजा का जो थाना नंबर होता है वो यहाँ पर डाल देंगे, थाना नंबर, ठीक है, यहाँ पर औरंगाबाद हो गया। और उसके बाद यहाँ पर खाता नंबर लिखेंगे, देखिए खाता नंबर देखने को आपको यहाँ पर मिल जाता होगा खाता नंबर, मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ पर मिलेगा, देखिए खाता नंबर यहाँ पर है 95, खाता नंबर 95 और यहाँ पर प्लॉट नंबर 1300, तो यहाँ पर हम डालेंगे खाता नंबर 95, प्लॉट हो गया हमारा 1300 और यहाँ पर एकड़ है 0 और डिसमिल कितना है, एक बार डिसमिल देख लेते हैं 25.5 डिसमिल, तो इस डिसमिल को लिखेंगे हम
25.50, ठीक है। जैसे एक बटा दो आपको मिल सकता है, 25 डिसमिल एक बटा दो, तो एक बटा दो को 50 बोलते हैं, एक बटा चार को 25 बोलते हैं, जनरली एक बटा तीन बटा चार को जो है 75। तो यहाँ पर वो तो हमें पता ही है कि हम एक बटा दो को बोलते हैं 50, लेकिन आपको फिर भी अगर कुछ इसमें मुश्किल लगता है और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक मिनट बता दे रहा हूँ आपको करना क्या है। जैसे एक बटा दो है, एक बटा तीन है, एक बटा चार मिलता है, तो आपको सिंपली यहाँ पर करना है एक बटा एक भागा तीन बराबर कर देना है। एक मिनट यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको, एक भागा दो। इसमें क्या है ना फ्रेंड्स कि देखिए एक पाँच आ गया यानी 50, तो इसी तरह से ठीक ऊपर वाले से, ऊपर वाले को आप नीचे वाले से भाग दीजिएगा। जैसे आपका हो गया तीन भागा चार 75, तीन बटे चार अगर आपको मिलता है तो समझ लीजिए उसका 75% आता है, तो ऊपर वाले से नीचे वाले को भाग दे दीजिएगा, वो आ जाएगा आपका नॉर्थ। अब यहाँ पर आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपका चौहद्दी डालना है, तो चौहद्दी आपको देखने को मिल जाता है, चौहद्दी भी मिल जाता है आपको इसी पेज में देखने, सारा नंबर थाना नंबर वगैरह सारा कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, चौहद्दी में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है उत्तर रास्ता है दक्षिण सत्येंद्र सिंह, पूरब सड़क पश्चिम मौजी सावो पटोन, पता नहीं। अब देखिए इसको इंग्लिश में लिख नहीं सकते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे तो कस्टमर बोलेगा भाई ऐसा वैसा, ठीक है। तो इसको अगर आप हिंदी में चाहो लिखना तो हिंदी में भी लिख सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन हिंदी टाइपिंग, ये मेथड जो मैं बता रहा हूँ ना, ये मेथड आप इस्तेमाल कीजिएगा ना तो ये आपका हो पाएगा। टेस्ट नहीं कीजिएगा, टेस्ट को काट दीजिएगा, ऑनलाइन हिंदी टाइपिंग सिर्फ इतना ही रहने दीजिएगा। इसको सिर्फ हम प्ले ओपन करिएगा, ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक फ्रेश पेज खुलेगा, फ्रेश पेज इस टाइप का, और यहाँ से आप जो है यहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक है, आराम से। जैसे देख लीजिए उत्तर में रास्ता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे रास्ता, इस तरह से कंट्रोल सी किया और यहाँ पर कंट्रोल भी मार दिया, ठीक है, उस तरह से, ठीक है। उसी तरह से हम यहाँ पर देख लेंगे उत्तर के बाद दक्षिण में सत्येंद्र सिंह वगैरह, वै ठीक है, सत्येंद्र सिंह वगैरह, सत्येंद्र सिंह वै, देखिए वै ये वाला है ना वै। अब देखिए तो वैसा ही दीजिए जैसा कस्टमर के लिखा हुआ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसको कंट्रोल भी मारिए। उसी प्रकार से हम यहाँ पर देख लेंगे सड़क है मौजी साकिन बटोने, तो सारी चीज़ को हम फिर, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इसमें आपको एक से ज़्यादा देखने को मिलता है, प्लॉट खाता सड़क वगैरह, तो प्लॉट अगर एक से ज़्यादा है, खाता एक से ज़्यादा है, तो आप ठीक उसी तरह से एड मोड ले लीजिए और उस पर अपना जो है खाता नंबर उसी तरह से फिल कर दीजिए, प्लॉट फिल कर दीजिए, एकड़ फिल कर दीजिए, डिसमिल फिल कर दीजिए, चौहद्दी सारा कुछ फिल करके सिंपली आपको करना क्या है, सेव एज ड्राफ्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये आपको सीधे लेके चले आएगा इस पेज पे, अपलोड डॉक्यूमेंट्स पेज पे। अब आपको बता देते हैं आपका जो दस्तावेज है वो 1 MB से कम होना चाहिए, तो हमारा जो दस्तावेज है वो है 4.2 MB, तो इसको कंप्रेस कैसे करेंगे, सिंपली हमने आपको देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर आ गया तो 4 MB का है वो नहीं लेगा, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर PDF कंप्रेस, ये वाला से कंप्रेस करना है, ये वाला से कंप्रेस करेंगे जब आपका PDF ऑलरेडी मर्ज किया हुआ है और ज़्यादा लंबा MB में है, तो ये वाला बहुत ही अच्छा है, आपको 1 MB से कम करके देता है और फ्रेश करके देता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस पे सेलेक्ट कीजिएगा, सेलेक्ट PDF फाइल, और इसके बाद यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा और डॉक्यूमेंट्स में जाइए, अपना चूज कर लीजिए के वाला और यहाँ पर ओपन कीजिए, या इसको ग्रीन हो जाने दीजिए पूरा, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कलर क्वालिटी वाला सब कुछ ऐसा ही छोड़ देना है, कुछ भी करने करने की जरूरत है इसमें। उसके बाद नीचे में कुछ आ जाएगा आपको, जब तक ये सेलेक्ट हो रहा है मैं वीडियो को पॉज कर दे रहा हूँ। देखिए ये जो हमारा हो चुका है, यहाँ पर नीचे कंप्रेस PDF कर देंगे, ये थोड़ा सा वेट लेगा, वेट लेने के बाद यहाँ पर डाउनलोड PDF का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली डाउनलोड पे जाएंगे और यहाँ पर ये जो हमारा फाइल है वो 1 MB जैसे कम हो चुका है, तो सिंपली ये खुल चुका है, बहुत ही अच्छे साइज में आता है। और मैंने आपको बता दिया है कि एक अगर आपका मान लीजिए किसी भी प्रकार लंबा के वाला है यानी ये 3 साइज का है, तो उसके लिए आप एक मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जिसके रिगार्डिंग हम वीडियो पहले बना चुके हैं, आप उससे भी जो है स्क्रीन
का जो है फोटो ले सकते हैं केवाला का। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है क्लियर स्कैनर, जो कि आपके किसी भी कागज को पीडीएफ के रूप में बदल देती है। फिर उससे अपना वेब से जो है उठाइए, वेब कैम जो आता है आपका जो इसमें व्हाट्सएप में वेब व्हाट्सएप, उससे आप सिस्टम में जाइए, वेब व्हाट्सएप को खोलिए, वहाँ पर ओपन करके जो है अपने सेव कर लीजिए और सिर्फ पीडीएफ फाइल में ही आप जो है यहाँ पर बना लीजिए। ये देखिए हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर चुका हूँ और ये जो हमारा जो कंप्रेस होकर हुआ है ये बिल्कुल ही बहुत बढ़िया साइज में हो चुका है, 427 के बी में हो चुका है। तो ये आसानी से इसमें जो है ले लेगा। अब आपको करना क्या है, ऑनलाइन मोडिशन सारा कुछ ओके हो चुका है, हमने एप्लीकेंट डिटेल्स भर दिया, हमने डॉक्यूमेंट डिटेल्स भर दिया, हमने बायर डिटेल्स भर दिया, एप्लीकेंट डिटेल्स यानी अप्लायर अप्लाई करने वाला, डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स मैंने दस्तावेज संख्या सारा कुछ होता है, जो बायर मैंने जो खरीदने वाला हो गया, सेलर मैंने हो गया जो बेचने वाला था उसका डिटेल्स, उसके बाद अपने प्लॉट यानी जमीन का डिटेल्स, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो सिंपली हम इस पे जाएंगे और यहाँ पर हमारा जो कंप्रेस किया हुआ फाइल था उसको हम सिंपली कंप्रेस करेंगे और यहाँ पर ये जो कैप्चा दिख रहा है उस कैप्चे को यहाँ पर हम फिल करेंगे, ठीक है, यहाँ पर फिल करेंगे एक्स पी वाई, इस तरह से फिल करेंगे, इस पर टिक करेंगे, उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। आपको किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन एबोर्टेड या किसी भी तरह का एरर मैसेज नहीं दिखेगा अगर आप हमारे तरीके से चलिएगा तब। अदरवाइज अगर आप किसी भी रॉन्ग तरीके से चलते हैं तो यहाँ पर आकर के आपका सारा मैटर सारा किया दिया खत्म हो जाता है और आपको एक एरर मैसेज आ जाता है और आपका दिमाग हो जाता है खराब, मार देते हो वीडियो को डिसलाइक, ऐसा करना नहीं, ठीक है। जैसे ही सेव पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको प्रिंट योर रिसीप्ट एक बहुत अच्छा सुंदर सा कलर का पिंक कलर का आ जाएगा, वो आ जाएगा, उसके नीचे व्यू रिसिप्ट रहेगा, उस पर क्लिक करके आपको प्रिंट निकालना है और प्रिंट निकाल करके आपको जो है क्या करना है, सिंपली आपको जा करके कर्मचारी को दे देना है, ठीक है। आप कर्मचारी को जा करके दे दीजिए और उसके बाद वो अपना समझेंगे। तो आपको घर पे नहीं रखना है, कुछ लोग हमारे वीडियोस पे कमेंट करके पूछते हैं कि सर हम घर पे रखें तो नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है सर, आपको घर में रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको लिए कर्मचारी बनी है, वो जब तक आगे बढ़ाएगा नहीं अपने कंप्यूटर के माध्यम से सिस्टम के माध्यम से, तो आपको घर रखने से कागज आपका दाखिल खारिज नहीं हो जाएगा। ये सिर्फ आपने आवेदन किया, इस आवेदन को जब तक वेरीफाई सीओ नहीं करेगा, आपका कर्मचारी नहीं करेगा, तो आपका मोटिवेशन कैसे होएगा, समझ रहे हैं बात को आप, ठीक है। 27 मिनट का हो चुका है, देखिए मान लीजिए हम सेव पे क्लिक करते हैं लेकिन इसका ऑलरेडी हमने सीरियल रोल नंबर से मार दिया है, अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं लगता तो हम आपको दिखा दे रहे हैं। अब सेव कीजिएगा, कभी कभी आपको यहाँ पर प्रिंट देखने को नहीं मिलता है लेकिन ऑलरेडी सक्सेसफुली हो जाता है, प्रिंट रिसीप अगर मिल गया तो निकाल लीजिए आराम से, नहीं मिला और लिख दिया एबॉर्टेड वगैरह कुछ नहीं लिखेगा, जब भी लिखेगा तो प्रिंट रिसीप लिखेगा, वरना था कभी कभी होता है हमारे साथ भी हुआ है कि बंद हो जाता है या पेज इले लेआउट कर जाता है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने बता दिया कि आप फिर से भर लीजिए, और नहीं तो यहाँ पर आप सिंपली फिर क्या कीजिए हम बता रहे हैं आपको, आपको चले जाना है यहाँ पे, ये इतना कर लीजिएगा आप तो आपको जो है प्रिंट आ ही जाएगा। मैं सेव नहीं करूँगा क्योंकि ये दूसरे का केवाला है और इनको मैंने एक बार मार चुका हूँ, चलिए हम आपको दिखा भी देते हैं कहाँ पर मारे हैं इनका। तो ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन की स्थिति पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वाइस चूज कर लेना है, ये जो सर्कल सा देख पा रहे हो आप, आई होप कि आप देख पा रहे होंगे, ये औरंगाबाद सर्कल को हमने चूज कर लिया, उसके बाद अपने प्रखंड को चूज कर लिया। अब यहाँ पर 17/2019/2000 में हमने इसको किया है, उसके बाद देखिए आपको केस नंबर आपको मिल जाता है, अगर केस नंबर है तो यहाँ से उठा लीजिए रिसीविंग, नहीं है तो आप बाई एप्लीकेंट नाम से भी उठा सकते हैं, जैसे हमने जिस व्यक्ति का कर रहा था उसका नाम था संजय गुप्ता, आई होप कि आपको याद हो क्योंकि हम आपके सामने ही कर रहे हैं, ठीक है। तो संजय गुप्ता यहाँ पर है, देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये देखिए इसी का कर रहे हैं ना, संजय गुप्ता का, तो संजय गुप्ता का आपको यहाँ पर सिर्फ आप नाम डालिएगा और सर्च पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको संजय गुप्ता का देखिए स्टेटस पेंडिंग एट CEO तक पहुँच चुका है ये, ठीक है। अब जब तक ये जाएंगे नहीं, कर्मचारी से मिलेंगे नहीं, उनको कागज़ देंगे नहीं, तो कागज आगे बढ़े भी नहीं करेगा, CEO के स्तर से जो स्तर पर लिखा रहेगा, तो इनको ज़रूरी है कि एक अपना कागज़ जो है उस केवाला का जेरोस के साथ अपने कर्मचारी को दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप व्यू पर क्लिक कीजिएगा, तो व्यू पर क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह से आ जाएगा, इसको बड़ा कर दीजिए, इसके नीचे चले जाइए, अब यहाँ पर आपको मिल जाता है कॉपी ऑफ रिसिप्ट,
तो आप इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह का पेज देखने को मिल जाएगा। यही यही वो रिसिप्ट है जो कि आपके वाला दाखिल खारिज ऑनलाइन जो कर रहोगे, जो सबमिट सेव करोगे लास्ट में ना, तो इसी तरह का आपको कागज़ देखने को मिलेगा। अगर अदरवाइज नहीं मिलता है या किसी कस्टमर का खो गया रहता है और आपसे आके कहता है कि सर हम आपके पास ऑनलाइन कराए थे लेकिन जो है हमारा जो जो आपने रिसीविंग दिया था वो कहीं खो गया है, तो उसको भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं। और यदि आप ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन के पीरियड में आपको प्रिंट नहीं दिया, वहाँ पर जो है पिंक कलर का आता है प्रिंट योर रिसिप्ट, वो नहीं आया, तब भी आप यहाँ से इस तरह से दोबारा करके निकाल के आसानी से प्रिंट दे सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं, जैसे कि आप अपना पंजीयन भी देख सकते हैं, पंजी देख सकते हैं, जो आप पंजी देख सकते हैं, बिल काट सकते हैं, रसीद काट सकते हैं, पुराना के वाला है, नाम नहीं मिल रहा है तो क्या करना है, ये सारा कुछ हमने वीडियो पहले ही बना दिया है। तो आई होप कि ये वीडियो आधे घंटे का अगर आप देख लिए तो आप अब इस वीडियो के बाद नहीं कहिएगा कि केवाला दाखिल खारिज हमसे नहीं होगा। सुनने में बहुत थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा देखने में भी, लेकिन कुछ नहीं है, जब आप मारोगे तो यूं चुटकी में मारोगे, कैसा भी केवाला को आप मार दोगे, ठीक है। बट टेंशन लेके फ्री होके काम कीजिए, इंजॉय कीजिए, वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर धड़ाधड़ कर दीजिए, और नए मेहमान हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सब्सक्राइब कर जब आप बेल आइकन बजाएंगे ना तभी आपको मिलेगा, और ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो और किसी चैनल पर आपको नहीं मिल सकता, तो आपको यह चैनल जरूर से सब्सक्राइब करना चाहिए। मिलते हैं इसी के एक नेक्स्ट और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए, टेक केयर, बाय बाय।